Good morning, my dear students, and welcome to the math class. How are you? I hope you all are fine, right? And today we are going to read about chapter number 13. Chapter number 13 and exercise number 2, right? Because yesterday, कल हमने क्या पढ़ा हुआ था बच्चों? कल हमने चैप्टर नंबर 13 रीड किया था, बट और उसने क्या रीड किया हुआ था हमने? नॉट जस्ट रिपीट फ्रॉम स्टार्टिंग. कल हमने रीड किया था राइट द नंबर्स ऑफ स्टिक्स. तो उसमें आपने क्या किया हुआ था कि जो स्टिक्स दिख रही हैं हमें आपके सामने, देखिए जो स्टिक्स दिख रही हैं उन्हें हमने क्या किया हुआ था, काउंट करके जो बॉक्स बना हुआ उसमें क्या किया हुआ था, नंबर फिल किया था. मीन्स कितनी स्टिक्स हैं, तो वो हमने क्या किया हुआ था, काउंट किया था, देन फिल किया हुआ था. जितने भी है. और हमने क्या रीड किया था, टेन एंड वंस रीड किए हुए थे. कैसे रीड किया था, लाइक वन बंडल है सामने हमारे, लाइक देयर इज वन बंडल एंड हाउ मेनी लूज स्टिक्स, लाइक फाइव लूज स्टिक्स. ओके, देन उसमें हमने क्या किया था, टेन एंड वंस को हमने डिवाइड किया हुआ था. कैसे डिवाइड किया हुआ था, लाइक हमारे पास है एक बंडल है जिसमें कितनी स्टिक्स है बच्चों, टेन. हाउ मेनी स्टिक्स इन बंडल, टेन. तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, लाइक वन बंडल में कितनी स्टिक्स है, टेन. तो उसी तरह से लूज स्टिक्स है फाइव. तो जो बंडल होता है उसे क्या बोलते हैं, टेन का जो बंडल होता है उसे टेंस बोलते हैं, वन टेंस. जब किसी में लाइक कोई रोल है और उसमें टेन स्टिक्स होंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, वन टेंस. और वो ओनली वन बंडल है तो हम उसे बोलेंगे वन टेंस. एंड लूज जो होती है बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वंस. तो इस तरह से हमने कल क्या किया हुआ था, हमने टेंस एंड वंस रीड किए हुए थे. बट टुडे समथिंग डिफरेंट. आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए आज है गिव नंबर नेम. तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, अभी देखिए आपके सामने कौन दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पे एक गर्ल बनी हुई दिख रही है, राइट. और उसने किस कलर की कुर्ती पहनी है, पिंक कलर की. ओके, देन उसके हाथ में क्या है, एक नोटबुक है जैसे कि आपके पास होती है, राइट. तो उसी तरह से उसने क्या किया हुआ है, उस नोटबुक में नंबर लिखा हुआ है और वो कितना नंबर है, 1515. कितना नंबर है बच्चों, 1515. तो उस तरह से अभी क्या करना है, क्वेश्चन आपका क्या है, गिव नंबर नेम. तो अभी क्या करना है आपको, जो वो गर्ल है उसके नंबर, उसके हाथ में उसकी नोटबुक में जो नंबर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उसका नंबर नेम लिखना है. तो अभी नंबर नेम उसने कितना लिखा, नंबर कितना लिखा हुआ है, 1515. तो 1515 का नंबर नेम क्या होता है, FIFTEEN, FIFTEEN 15. तो इस तरह से आपको क्या करना है, वो जो बॉक्स बना हुआ है, कैसा बॉक्स बना है, ब्लैंक बॉक्स बना है, उसमें कुछ लिखा है, नो. उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ. तो अभी बच्चों आपको उसमें क्या करना है, उसमें नंबर नेम लिखना है और किसका लिखना है, 15 का, राइट. तभी सबसे पहले आपको नंबर नेम राइट डाउन करना है. देन नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, भी देखिए बॉय दिख रहा है, उसने वो ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हुए, राइट. किस कलर का ड्रेस पहना है, ग्रीन कलर का. तो भी उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में भी एक नोटबुक है, सेम जैसे उस गर्ल के पास है उसी तरह से बॉय के पास में भी है. तो अभी उसने उसमें क्या, उसके बुक में कितना नंबर लिखा हुआ है, 2424. उसके बुक में नंबर लिखा है 2424. तो अभी बच्चों उसको क्या करना है, अभी उसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंस, हाउ मैनी टेंस. तो अभी हमें उसमें क्या बताना है कि हाउ मैनी टेंस आर देयर, मीन्स वहां पर टेंस कितने, लाइक 24 नंबर लिखा हुआ है तो 24 नंबर में हमें डिवाइड करना है क्या, टेंस एंड वंस. देन हमें अपने क्वेश्चन में क्या फिल करना है, हाउ मैनी टेंस. तो अभी देखिए बॉय के हाथ में कितना नंबर लिखा हुआ है इस नोटबुक में, 24.
उस तरह से बच्चों अभी 20 को कैसे हम राइट डाउन करते हैं, या तो 20 अदरवाइज 10 + 10 कितना होता है 20, बट हम उसे कितना बोलते हैं, अगर 20 है तो हम उसे क्या बोलेंगे 2 tens, कितना बोलते हैं 2 tens, अगर और बाकी जो लूज होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों 1, जितना भी लूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं 1, राइट। तो उस तरह से भी इसमें हाउ मेनी टेंस मीन्स उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 2 tens, बिकॉज 20 + 4 कितना होता है 24, और 10 और 10 कितने होते हैं 20, एंड 4 कितना, 4 तो लूज हो गया ना, क्योंकि 4 कैसे होगा सिंगल सिंगल 4 होगा 1, 2, 3 एंड 4, तभी उसे क्या उसे वंस में काउंट करते हैं ना कि टेंस में। टेंस में किसे काउंट करते हैं 1, 0, 10 को, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आपको करना है। तो अभी आपका आंसर होगा हाउ मेनी टेंस 2 tens ओनली, ओके। तो अभी आपको उस ब्लॉक में फिल करना है 2 tens, ओके। देन आफ्टर अभी क्या है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है बच्चों की, हाँ अभी एक बॉय है जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, राइट। तो उसने उसके पास कितना नंबर लिखा हुआ है सर्कल में 1, 3, 13, कितना नंबर लिखा है बच्चों 1, 3, 13। एंड नेक्स्ट अभी वहां पे गर्ल दिख रही है, वहां देयर आर वन गर्ल, तो उसके हाथ में क्या है, सॉरी उसके हाथ में तो एक स्टिक है, राइट। एंड देन बोर्ड पे वो उसने क्या राइट डाउन किया हुआ है नंबर, कितना नंबर राइट डाउन किया है 2, 6, 26। तो अभी बच्चों अभी क्वेश्चन क्या है, विच इज द बिगर नंबर। तो अभी आपको क्या करना है, बिगर नंबर बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग रीड करनी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट काउंटिंग तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी किसकी, नंबर की। तो रीडिंग कैसे करेंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and then 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 26. तो बच्चों आप बताइए कि सबसे पहले कौन सा नंबर है और बाद में कौन सा। तो पहले कौन सा नंबर आया, तो 1, 3, 13, देन उसके बाद में कौन सा नंबर आया 2, 6, 26, 26 कब आया, बहुत ही बाद में, राइट। और उससे बहुत पहले कौन सा नंबर आया 1, 3, 13। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली हमारा बिगर नंबर कौन सा होगा, जिसे हमने बाद में काउंट किया, जिसे हमने पहले काउंट किया, जिसे हमने बाद में काउंट किया, राइट। बिकॉज 13 में जब हम, अगर हमें 26 नंबर लाना है तो हमें 13 में कुछ नंबर ऐड करने पड़ेंगे ना बच्चों, तभी तो 26 आएगा। तो इसलिए बड़ा कौन सा नंबर है, बिगर कौन सा नंबर है 26। जब 13 में आप कुछ नंबर ऐड करेंगे तभी हमारा 26 आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली 26 इज बिगर देन 13, ओके। तो अभी आपको बॉक्स जो दिख रहा है हमें उसमें क्या राइट डाउन करना है 2, 6, 26, बिकॉज वही हमारा आंसर है, ओके। देन अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, हमारा पेज टर्न करना होगा। देन नेक्स्ट हम रीड करेंगे कि क्या है, अभी देखिए सामने क्या दिख रहा है, ये तो कुछ फार्म हाउस के जैसा लग रहा है, राइट, लग नहीं रहा है बल्कि फार्म हाउस ही है, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं फार्म हाउस, तो फार्म हाउस में क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वहां पे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने कौन बैठे हुए हैं, एनिमल्स बैठे हुए उसमें, पिक्चर में देखिए दिख रहा है बच्चों। और कौन सा एनिमल है वो, गोट, कौन सा एनिमल है, गोट।
तो अभी उसने अभी नीचे क्या दे रहे हैं देखिए, हमें रीड करना होगा सबसे पहले कि नीचे क्या लिखा हुआ है। हमारे सामने लिखा है डेवलप अ स्टोरी ऑन द पिक्चर एंड नैरेट इन द क्लास। अभी आपको क्या करना है बच्चों, मेन हमारा मेन पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक स्टोरी बनानी है, किस पे, वो जो आप पिक्चर देख रहे हो उस पे। देन क्या करना है आपको, उसके बाद में वो स्टोरी आपको क्या करनी है, आपको क्लास में सुनानी है। तो अभी देखिए, अभी आपके सामने ऊपर क्या बना हुआ है, एनिमल्स बने हुए हैं, और एनिमल्स में गोट दिख रही है हमें। तो उसमें स्टोरी बनाने के लिए आपको बच्चों क्या करना है कि अभी देखिए, ये लाइंस दी हुई है आपके सामने, इनमें क्या करना है आपको, स्टोरी राइट डाउन करनी है। ओके, देन ये बॉय बना हुआ है, हु इज ही, व्हाट्स हिज नेम, ही इज अ बिल्लू, ही इज अ बिल्लू, उसका नाम क्या है, बिल्लू। और उसके पास क्या है, एक फार्म हाउस है, और उसने वहां पे किसको रखा हुआ है, एनिमल्स को, और उन एनिमल्स का नाम है गोट। और उसके साथ उसके पास और भी सारे एनिमल्स हैं। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ गोट है, और भी एनिमल्स हैं। तो अभी उस पिक्चर को देख करके आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है। और अभी डाउन साइड में आप देख रहे हैं कि बिल्लू क्या कर रहा है, बिल्लू बास्केट बना रहा है। तो अभी कौन सी बास्केट बना रहा है वो, देखिए, जिसमें हमें क्या करते हैं, कुछ भी हमें सामान रखना हो, कुछ भी रखना हो तो हम उसमें रख सकते हैं, उस तरह की एक बास्केट बना रहा है वो। स्टिक बास्केट बना रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ कुछ तो प्लास्टिक टाइप की बास्केट होती है, बट कुछ होती है स्टिक की, जो स्टिक से बनी होती है, जैसे स्टिक की चेयर होती है, उसी तरह से स्टिक की बास्केट भी होती है। तो वही वो क्या करता है, उसको बनाने का काम कर रहा है। और एनिमल्स भी साथ साथ उसने फार्म हाउस में पाले हुए हैं। देन अभी क्या करना है, हमें डेवलप अ स्टोरी ऑन द पिक्चर एंड नैरेट इन द क्लास। अभी आपको स्टोरी बनानी है, देन क्लास में बोलनी भी है, तो उसके लिए भी आपको स्टोरी राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लिखना है, देखिए फर्स्ट लाइन में आपको क्या राइट डाउन करना है, ध्यान से सुनिए, और वहां पे राइट डाउन भी करना है आपको। बिल्लू हैज सम एनिमल लाइक गोट इन हिज फार्म। बिल्लू के पास क्या है, एनिमल्स है, कहां पे, फार्म हाउस में, उसके पास क्या है, एनिमल्स, और वो कहाँ है, एक फार्म हाउस में, जो कि उसका ही फार्म हाउस है ना, उसके पास ही है। तो लाइक गोट, गोट के जैसे, और भी एनिमल्स है बट उसके पास गोट है। ओके, देन उसके बाद में आपको क्या राइट डाउन करना, ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। तो वो क्या है, एक हार्ड वर्किंग बॉय है, मीन्स मेहनती। हार्ड वर्किंग किसे बोलते हैं, जो मेहनत करता है उसे क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग। ओके, तो इस तरह से बिल्लू क्या है, हार्ड वर्किंग है। ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय बिकॉज, क्योंकि ही मेक बास्केट बाय यूजिंग बैग स्टिक। क्योंकि वो क्या बना रहा है बच्चों, बास्केट बना रहा है, और किससे बना रहा है, बैग किससे, स्टिक के द्वारा बैग बना रहा है वो, यूज करने के लिए, जिसका काफी यूज होता है, तो वो क्या कर रहा है, वो बना रहा है। और नेक्स्ट क्या है कि उसने एनिमल्स भी अपने फार्म हाउस पे रखे हुए हैं, तो भी एनिमल्स रखे हैं तो कुछ तो करता ही होगा ना। देन अभी देखिए, ये देखिए कितनी सारी गोट्स है। तो अभी जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें कितनी गोट है, अभी उसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा, कितनी गोट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितनी गोट है, 5। ओके, देन नेक्स्ट वाले में अभी देखिए, देखिए बच्चों क्या है कि 3 गोट्स बैठी हुई है और 2 गोट स्टैंड हो गए हैं, मीन्स वो क्या, वो रन करने के लिए रेडी है, वो वहां से निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मीन्स अभी 2 गोट्स क्या होंगी, कम हो जाएंगी। देन अभी लास्ट वाला थर्ड वाला कॉलम देखिए, थर्ड वाला फॉर्म है उसका पिक्चर देखिए, अभी उसमें क्या है, उसमें ओनली 3 गोट्स है, बिकॉज अभी ऊपर के, ये देखिए ऊपर के कॉलम में आप देख रहे हैं कि ये 2 गोट्स है, ये स्टैंड हो गए हैं, मीन्स वो जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए रेडी है। तो इस तरह से, तो लास्ट वाले कॉलम में कितनी बची हुई है, ओनली 3। सबसे पहले कितनी थी, 5,
ओके देन कितनी हुई, देन आफ्टर हो गई थ्री, बिकॉज टू ने स्टैंड ले लिया ना, वो तो खड़ी हो गई, देन लास्ट में बिल्कुल लास्ट में कितनी बची, ओनली थ्री। ओके तो इस तरह से आपको चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करना है। ओके और ये स्टोरी राइट डाउन करना है और आपको रीड भी करना है, देन रीड देन अपने क्लास में क्या करना है, बोलना भी है। ओके और उसके लिए आपको रीडिंग करना और लर्न करना, स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैंने बोला हुआ है उसको आप राइट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। और यही स्टोरी है। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 13 में क्या क्या रीड किया है, आई एम रीड करेंगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या था, हाउ मैनी मीन्स कितने, हाउ मैनी मीन्स कितने, देन राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स। तो क्या करना था आपको, स्टिक्स के नंबर लिखने थे जो कि आपने लिखे। काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही आपने लिखे, बिकॉज अगर आपको काउंटिंग नहीं आता तो आप कैसे लिख सकते थे, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। देन नेक्स्ट हमने क्या रीड किया था, हाउ मेनी बीड्स, तो उसमें क्या था, नेकलेसेस बने हुए थे हमारे सामने ही, देखिए फर्स्ट में तो बच्चों क्या है, 1, 2, 3 नेकलेस थे वहां पर। देन क्या किया हुआ था, हमने हर नेकलेस की बीट को काउंट किया हुआ था और हर नेकलेस की बीट्स में हर नेकलेस में कितनी बीट थी बच्चों, 10 10, कितनी 10 10, राइट। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 10 प्लस 10 20 एंड 20 प्लस 10 30, तो 3 10s, क्या बोलना है हमें उसे, 3 10s। एंड लूज डॉट्स कितने देखे बच्चों, ओनली 2, तो हमने क्या फिल किया हुआ था उसमें फर्स्ट वाले ब्लॉक में, 3 10s and 2 1s, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली हमने बाकी सारे भी इसी तरह से किए हुए थे। देन बनानास की हमने कॉस्ट भी राइट डाउन की हुई थी कि अगर एक बनाना 1 रुपी का है तो 3 बनानास कितने रुपीज के होंगे, 3 रुपीज के। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 2 भी इसी तरह से डन की थी। देन थर्ड नंबर तो हमने आज ही डन किया हुआ है, कैसे, गिव फर्स्ट नंबर पे था गिव नंबर नेम, तो उसमें आपने क्या किया नंबर नेम राइट डाउन किया। देन सेकेंड नंबर में क्या किया, किसका नंबर नेम राइट डाउन किया, 1/15 का। देन इन सेकेंड नंबर में आपने क्या किया, हाउ मेनी टेंस, उसमें आपने टेंस राइट डाउन किए। देन थर्ड नंबर में आपने क्या किया हुआ था, ही विच इज अ बिगर नंबर, अभी उसमें आपने क्या किया था, काउंटिंग के अकॉर्डिंग मीन काउंटिंग करके क्या किया होता, बिगर एंड शॉर्ट एंड बिगर को डिवाइड किया था, मीन्स कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर है, तो इस तरह से आपने क्या किया हुआ था, सर्च किया था। तो 13 एंड 26 में से कौन सा बड़ा था, 26, तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज नंबर 2 भी डन की हुई थी। देन एक्सरसाइज नंबर 3 हमारी थी, उसमें आपको क्या करना, डेवलप अ स्टोरी ऑन द पिक्चर एंड नैरेट इन द क्लास, उसमें आपको स्टोरी बनानी थी जैसे कि आपने बनाई है। देन एनिमल्स में आपको देखना था कि कौन कितने एनिमल्स हैं, वो भी आपने देख लिए। तो मैं वन टाइम और आपको स्टोरी रीड करूंगी, देन अगर आप चाहें तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो स्टोरी है, इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो बच्चों। ओके सो बिल्लू हैज सम एनिमल लाइक गोट इन हिज फॉर्म, ओके ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय बिकॉज He makes basket from using bag sticks. Okay? तो वो bag sticks यूज करके क्या करता था, basket बनाता था। तो इस तरह से बच्चों आपको अपना chapter number 13 complete करना है and revision भी करना है, repeat from starting आपको repeat भी करना है and tense ones को भी अच्छी तरह से read करना है कि हम टेंस किसे बोलेंगे एंड वंस किसे बोलेंगे, वो भी आपको रीड करना है एंड स्टोरी भी रीड करनी है, राइट डाउन भी करनी है। तो इसमें आपको रीडिंग राइटिंग बोथ दोनों भी करने हैं, ये देखिए इसमें आपको स्टोरी इन लाइंस में राइट डाउन करनी है बच्चों। ओके
थैंक यू।